Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग? तो guys, आज की जो tarot reading है वो हम करने वाले हैं कि आपके जो भी love interest है, आपके जो भी partner हैं, वो आपसे क्या expect करते हैं, वो आपसे चाहते क्या हैं इस रिश्ते में, वो सोच क्या रहे हैं, वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, आज उसके बारे में हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून. और गाइज, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो इसमें डेफिनेटली आपका मैसेज होगा. उससे पहले गाइज, अगर आप चाहते हैं ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. नोटिफिकेशंस आपको मिलती हैं अगर तो ठीक है, नहीं मिलती तो बेल आइकन को प्रेस कर दें अभी के अभी, ताकि आपके पास मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें. और गाइज, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि जो भी लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है उनको हम गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएँ. तो गाइज, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को. हमारा गिव अवे भी चल रहा है, दुबई में हम लोगों ने लॉन्च किया है, तो मैं चाहती हूँ आप उस गिव अवे में जाके पार्टिसिपेट करें. और हम उसमें फ्री रीडिंग दे रहे हैं एक, और गिफ्ट्स दे रहे हैं कुछ. तो मैं चाहती हूँ आप जाके उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखें और उसको उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है गाइज? यहाँ पे हम गाइडेंस भी देखेंगे, एंजल से गाइडेंस क्या है, लव मैसेजेस क्या हैं, आपने आपके पार्टनर से आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं वो भी चेक करेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे. तो जुड़े रहिए. और प्लीज़ रीडिंग से पहले बोलना चाहूँगी, आप पॉजिटिव रहें, बहुत पॉजिटिव रहें, और प्रे करें गॉड से कि आपको आपका राइट आंसर मिले. व्हाट इज दिस? ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. स्टार्ट करते हैं. आपके पार्टनर या आपके लव इंटरेस्ट आपसे चाहते क्या हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे. ओके, द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स. Five of Cups. The Magician. Four of Cups. आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे गाइस. King of Cups, एक और कार्ड, the Moon. Okay. क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आज का ये टॉपिक था, the Empress, bottom of the deck आया है guys. ठीक है, तो यहाँ पे guys मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो भी situation है, सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि बहुत से लोग बहुत कुछ पास्ट का लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है. काफ़ी बातें आपकी पास्ट में, काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं, आपको उनकी काफ़ी बातें पता चली हैं. पास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है. पुरानी बातों को लेकर आप सोच रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, जो कि वो चाहते हैं पुरानी बातों को लेकर ना बैठे रहें, आगे बढ़े, मूव करें लाइफ में, और उसी चीज़ पर ना बैठे रहें, ठीक है. आप देख रहे हैं एक इंसान, बस इसके सामने कुछ भी आ रहा है बट वो अपनी आंखें बंद करके पास्ट के बारे में ही सोचा जा रहा है. तो सबसे पहले तो वो ये चाहते हैं आपसे कि पुरानी बातें आप ना करें, एक चेंज लाएं. मे बी वो आपको किसी चीज़ का एक प्रपोजल दे रहे हों, या नई स्टार्ट के लिए आपको बोल रहे हों, ठीक है. आपसे कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, पर आप कहीं ना कहीं पास्ट से जुड़े हुए हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है वो आपसे एक रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं,
ठीक है, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, पर वो एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, वो एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, और उनको भी यही लगता है कि आप भी एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। इसलिए दोनों करना तो चाहते हैं, दोनों साथ तो रहना चाहते हैं, बट एफर्ट्स कोई भी यहाँ पे करता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो एफर्ट्स वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि उनको भी एफर्ट्स करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स जो हैं छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स आप उनको क्लियरली नहीं बताते हैं, अपने मन की बातें आप बाहर लाके नहीं रखते हैं, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं रिश्ते में। तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप थोड़ा और ओपन अप हों, थोड़ा और चीज़ें बताएं, थोड़ा और मैच्योरिटी से बिहेव करें। आप थोड़ा किडिश हो जाते हैं, थोड़ा सा एट टाइम्स आप तो चाइल्डिश आपका बिहेवियर रहता है, तो थोड़ा सा आप मेच्योरली एक्ट करें, थोड़ा सा बड़प्पन लाएं अपने अंदर, जो अपने अंदर आपने कुछ चीज़ें छुपा कर रखी हुई हैं, कुछ बातें छुपा कर रखी हुई हैं, उसको बाहर निकालें, ओके। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज, वो आपसे एक्सपेक्ट ये भी करते हैं कि आप जो है, हो सकता है आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो, कोई ऐसा बीच में कोई इंसान हो जो आपके रिश्ते में आया हुआ है, कोई भी ऐसा आपकी तरफ से कोई फ्रेंड या कोई फैमिली हो सकता है, करियर हो सकता है, तो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या कहीं ना कहीं उनको लगता है वो बीच में आ जाता है इंसान। वो चाहते हैं कि आप इतनी ज़्यादा अटेंशन उनको ना दें, आप उनके साथ भी चीज़ों को, वो टाइम आप उनके साथ स्पेंड करें, और कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए वो पजेसिव भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और कमिटमेंट डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि कमिटमेंट के लिए हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हों, अभी चीज़ें इस तरीके से नहीं चल रही हैं, इस तरीके से नहीं हो रही हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट की प्रॉब्लम आ रही है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा। ना वो कमिटमेंट देने को तैयार है, ना वो एफर्ट्स करने को तैयार है, ना आप आगे बढ़ने को तैयार है। दोनों की एनर्जी मुझे मिक्स्ड इन मैच लग रही है यहाँ पे। वो भी कुछ बातें पास्ट को लेकर बैठे हुए हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कि दोनों का जो दिमाग है, दोनों की जो एनर्जी है, दोनों का जो मुझे दिख रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं, पास्ट में उनका भी ध्यान पास्ट में है, उनकी भी काफ़ी चीज़ें छूटी हैं, वो भी आपसे इमोशनली डिस्टर्ब लग रहे हैं। कुछ ऐसी दो तीन बातें आपकी हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको रिग्रेट भी है, और आपको भी किसी चीज़ का कोई ऐसा आपके साथ, आपको लगता है कि कोई लॉस हो गया है, कुछ बातें उन्होंने आपसे छुपाई हैं, आपको पता चल गई है, तो वो सब वो चाहते हैं कि वो बातों का भूल के आगे बढ़े। उनको इस चीज़ का बहुत डर है कि अगर वो आपके पास आते हैं, वो आपके पास एफर्ट्स करते हैं, वो आना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो डेफिनेटली आना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लगता है अगर वो आपके पास आते हैं, एक प्रपोजल लेकर आते हैं, बिकॉज ही और शी इज ऑल रेडी टू कम टू यू, पर वो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो आप कहीं पीछे की बातों को लेकर ना बैठ जाए, वो प्रपोजल आप रिजेक्ट ना कर दें, वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। उनको वो लॉस का फियर, पुरानी बातों का फियर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो प्रपोजल लेके आना चाहते हैं, वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर ज़रूर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, और कोई बीच में ऐसा इंसान था जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। तो उनको ऐसा लगता है अगर वो इनकेस आगे फ्यूचर में आपके पास आते हैं तो आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, मे बी वो पुरानी बातों को आप बीच में लेकर आएंगे, तो उनको इस चीज़ का बहुत डर है कि वो किस मुंह से आपके पास आएँ, क्या सोच के आपके पास आएँ, तो इस चीज़ के बारे में वो बहुत सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने काफ़ी बातें आपसे छुपा रखी थी, ठीक है, और अब उनको ऐसा लगता है कि आप भी उनसे काफ़ी बातें छुपा कर रखते हैं, आप भी पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे, तो आप उन सब चीज़ों को लेकर ना बैठें, आप उस चीज़ से आगे बढ़ें। अगर आप आगे बढ़ेंगे उस चीज़ से तो उनको लगता है कि ये रिश्ता हमारा आगे जा सकता है, ठीक है। उनको ऐसा भी लगता है कि क्योंकि अभी वो बहुत कंफ्यूज्ड मुझे दिख रहे हैं, बहुत कंफ्यूज स्टेट में दिख रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं बट उनको डर भी है, वो आए ना आए, क्या करें वो, तो वो दो दो तरीके से
यू नो बैलेंस करने की सिचुएशन को कोशिश कर रहे हैं कि वो करे तो, क्योंकि चाहते हैं आना बट आएंगे तो आप उनको रिजेक्ट ना कर दे, तो इस बात का डर है। वो सारी पुरानी बातों के बारे में आप जिक्र ना करें कि ऐसा क्यों हुआ था वैसा क्यों हुआ था, ये सब भी वो सोच सकते हैं। ठीक है, और गाइज यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, उनको ये भी डर है, ठीक है, वो चाहते हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, आप उनको कमिटमेंट दें, वो आपको कमिटमेंट दें, ठीक है, चीज़ें ऐसी बढ़ें, बट ये कन्फ्यूजन का जो प्रॉब्लम जो आ रही है, जो कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और कन्फ्यूजन इसी चीज़ की है कि अगर वो कल को आपके पास आते हैं, एक तो उनको ये भी है कि आप यू नो उनको उनको रिजेक्ट ना कर दें, और उनको ये भी वो सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ गया हो, कोई और इंसान के साथ आप आगे ना बढ़ गए हो, ठीक है, ये सब बातें भी बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। ठीक है, उनको ये भी एट टाइम्स लगता है कि उनको ये तो आपको डेफिनेटली वो आपसे अट्रैक्टेड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत आपसे वो अट्रैक्टेड है, और उनको ऐसा लगता है कि जो आप में जादू है, जो आप में बात है, जो आप में एक चार्म है, जो आप में एक अट्रैक्शन है, एक प्यार है, सब कुछ है आप में, और वो आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं आप भी उतने ही एफर्ट्स डालें रिश्ते में, आप भी अब चीज़ें वो बदलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, पर बहुत घबराए हुए हैं वो, बहुत डर है, रिग्रेट है इनको पुरानी बातों का। ठीक है, तो अगर वो प्रपोजल लेके आगे आते हैं आपके पास, एक रिजेक्शन ना फेस करें वो, ठीक है, इस चीज़ का उनको डर है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुशी खुशी हर चीज़ों को समझ लें, ज़्यादा बातें ना बोलें, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करें, इस चीज़ में एक एक इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग हो, तो ये सब चीज़ें वो चाहते हैं। और उनको पता है अगर आपने आज भी सोच लिया, क्योंकि आप में उतनी पावर है, उतना उतना आप में एक जुनून है, कि अगर आज आपने सोच लिया कि अगर आपको चीज़ें ठीक करनी है तो ये चीज़ें ठीक होकर ही रहेंगी, आप में इतनी पावर है, आपको वो मैनिफेस्ट करते हैं, और वो यही चाहते हैं कि आप भी उनको उनके लिए दुआ करें, उनके उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें, पुरानी बातों को याद ना करें और आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े ये चाहते हैं, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके साथ एक एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो यहाँ पे मुझे देखो ये भी मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मैरिड भी लग रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोगों का कुछ कुछ लेडीज या कुछ लोगों का बेबी भी होगा, ठीक है, और ये भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए यहाँ पे, तो एक नई शुरुआत तो वो डेफिनेटली चाहते हैं, क्योंकि वो आपको एक ऐसी ऐसा इंसान समझते हैं कि जिसके साथ ग्रोथ है लाइफ में, जिसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, जिसके साथ फ्यूचर देखा जा सकता है, जिसके साथ जुड़ के एक प्रोडक्टिविटी लाइफ में होती है, यू नो एक ऐसा इंसान जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, जो फैमिली ओरिएंटेड होता है, जो प्यारा इंसान, जिसके पास सब कुछ है, यू नो तो वैसा वो इंसान आपको मानते हैं, बहुत प्योर सोल आपको मानते हैं, और उनको ये चीज़ रियलाइज हो चुकी है, उनको रिग्रेट है, और वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, बट यही चीज़ का उनको डर है। ओके सॉरी, ये ओके किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बारी मैं रोमांस एंजल्स से भी देखना पसंद करूंगी, रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपके रिश्ते के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में क्या बोलना चाहते हैं रोमांस एंजल्स। Pay attention to the red flags, the signs are cautioning you. तो guys, आपको ये देखना है कि कौन सा danger आपकी life में है। आप देखिए बहुत सी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपके सामने हैं, आप signs को देखें, क्या problem आ रही है, किस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। Angels आपको ये बोल रहे हैं, आप देखें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर वो इस तरीके से आपके पास आगे आते हैं तो एक क्लैरिटी लेके ही आगे बढ़े, ठीक है, एक क्लैरिटी लेकर आगे बढ़े, क्योंकि वो आपके पास आना तो चाहते हैं, बट ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी जो पहले थी वो भी बीच में हो, यू नो, क्योंकि आपके साथ उनका उनका रिश्ता नहीं टूट पा रहा, वो अटैचमेंट नहीं खत्म हो पा रहा, पर एक बारी अगर आप उनसे क्लैरिटी ले लें, बातें कर लें पहले, तो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी
को उसके साथ सेटल करके आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप ही ध्यान नहीं देंगे, आप ही कैजुअली लेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं मेरे पास तो आ गया ना, यू नो कुछ लोग इसी चीज़ में बहुत खुश हो जाते हैं, तो मे बी वो थर्ड पार्टी भी वैसे ही रहे। सो जब वो आपके पास आए, आप उनको उनके साथ आराम से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस करें, बात करें, और उसके बाद आप देखिए उनको क्लैरिटी उनसे आप लें कि वो थर्ड पार्टी का जो भी है देखिए, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसी चीज़ में आप लेके घुसे रहें, उसके बारे में रोते रहें, सोचते रहें, बोलते रहें कि ऐसा क्यों था, कैसे था। ठीक है, आपको जितनी क्लैरिटी की ज़रूरत है लें, और उसके बाद उस चीज़ को हटा दें, उस चीज़ के बारे में सिर्फ और सिर्फ बातें ना करते रहें कि ऐसा क्यों हुआ था, तुमने ये किया था, तुमने वो, ब्लेम नहीं करें एक दूसरे को, और बस क्लैरिटी लेके आगे बढ़ें। तो देखने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, रोमांस एंजल्स बोल रहे हैं, वो आपको देखने की ज़रूरत है, जो भी रेड फ्लैग्स है उनको देखने की ज़रूरत है, डेंजर्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर, अगेन वी हैव गॉट द सेम मैसेज हियर, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं, एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। तो मैं वही आपको बोल रही हूँ, वो भी आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, आपके मन में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, उनके साथ बातें करना चाहते हैं, उनके साथ यू नो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो कॉन्वर्जेशंस करना चाहते हैं, आपने जो इतना टाइम किया उनके बिना वो आप उनको बताना चाहते हैं, आपने उनको कितना मिस किया, कितनी सब बातें आप एक दूसरे को बताना चाहते हैं, और अपने अंदर से वो सारी बातें उनको बताएं, आपने जैसी फीलिंग आपको हुई, आपने जैसा फील किया, आप उनको कितना प्यार करते हैं, कितना मिस किया, क्या क्या बातें हैं। क्लैरिटी भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ उस चीज़ को लेकर जब वो आए आप उनको अच्छे से रखें, अच्छे से उनके साथ रिश्ता बनाएं, सब कुछ हो, बट उनसे क्लियर भी कर लें कि अब ऐसी सिचुएशन तो नहीं है ना, दैट्स इट, ठीक है, उस चीज़ को लेकर ना बैठे रहें, बट आगे बढ़ने से पहले एक बारी वो क्लैरिटी ले लें। तो अंदर से जो भी बातें हैं आप अपनी मन से बाहर निकालें, यही करने से आपका बॉन्ड डीप होगा। ओके, एक और गाइज, हम यहाँ पे रोमांस एंजल से पूछने वाले हैं, एक और मैसेज चाहती हूँ मैं। ओके, एंगेजमेंट। ओके, तो गाइज एंगेजमेंट का कार्ड आया है, बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि आप लोग साथ में रहें, हमेशा साथ में रहें, एंगेजमेंट हो, शादी हो, तो वो यहाँ पे कार्ड आया है, और बहुत चांसेस है कि आप लोग की एंगेजमेंट हो जाए, आप लोग साथ में रहें हमेशा के लिए, ठीक है, और आपके बीच में कोई ना आए, बट उससे पहले प्लीज़ क्लैरिटी ले लें, ठीक है, और चीज़ों को क्लियर कर लें, उस चीज़ पर रुके ना रहें, इतना नाग ना करें किसी को कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाए, बट ठीक है, क्लैरिटी लेके आगे बढ़ें, वो आपका हक है, बिल्कुल ज़रूरी है, और शादी जैसा स्टेप लेने से पहले क्लैरिटी लेनी तो बहुत ज़रूरी है, राइट। तो एंगेजमेंट का कार्ड आया है, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। हो सकता है आप लोग हमेशा साथ रहें और एंगेजमेंट का कार्ड आया, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, और आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, और नेक्स्ट लेवल पे ये रिश्ता जा सकता है। और अगर जिन लोगों का ऐसा सिचुएशन है कि अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, या बिल्कुल ज़ीरो स्टेज पे, या यू नो बिल्कुल छोटे से स्टेज से चीज़ें अभी शुरू होनी ही हैं, आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं, तो मुझे लग रहा है ये बहुत आगे बढ़ेगा रिश्ता, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेजेस हमको आ गए हैं, अब हम एंजल्स से पूछेंगे, एंजल आंसर्स देखने की कोशिश करेंगे कि एंजल्स आपको, गॉड यूनिवर्स एंजल्स क्या बताना चाहते हैं रिश्ते के बारे में, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, ओके, इट्स अप टू यू, ठीक है गाइज। तो देखिए, वही मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, इट्स अप टू यू का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आप जब भी वो आपके पास आएंगे, ठीक है, जब भी वो आपके पास आएंगे, तो वो आपके ऊपर होगा कि आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें ना करें, छोड़ दें, उनके साथ रहें,
ठीक है, वो आपके ऊपर सारी सिचुएशन होगी और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, पर ये आपके ऊपर है अब आप उनको आने दें या ना दें। अगर आप यही पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, एक उनको वो चीज़ बातें क्लियर नहीं करेंगे, अपने अंदर ही अंदर चीज़ें रखेंगे, तो आई थिंक रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। बट अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट लेवल पर रिश्ता जाए तो आप भी थोड़े एफर्ट्स करें, वो भी करेंगे, तो डेफिनेटली रिश्ता आगे जाएगा। तो ये आपके पर अब आपका रिश्ता आपको कैसे रखना है, इट्स अप टू यू का कार्ड आया है। ओके, और देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड हमको। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। सो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स का यहां पे कार्ड आया है गाइज। आपको जिससे भी आपको लगता है हेल्प की ज़रूरत है, आपको हेल्प लेनी चाहिए, आपको मांगनी चाहिए, आपको लगता है जहाँ से भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, जो भी इंसान आपको हेल्प कर सकता है इस रिश्ते के लिए, ठीक है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई चाहिए है, उस इंसान से कुछ क्लियर करना है, आपने कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप हेल्प लें, ठीक है, आप गाइडेंस लें उस इंसान से, गाइडेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, हेल्प मांगे आप, भगवान से मांग सकते हैं, किसी से भी मांग सकते हैं, पर यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है ताकि आपको क्लियर पिक्चर दिखे और दिख पाए, तो हेल्प मांगे। एंजल्स आपको ये बोल रही हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस रिश्ते में क्या होगा आगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, तो आस्क फॉर हेल्प। ओके, अच्छा गाइज, अब हम देखने वाले हैं मैसेजेस, मैसेजेस क्या हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, आपके पार्टनर से क्या मैसेजेस हैं। ओके, काफ़ी सारे तो गिरे भी हैं अपने आप। ओके, तो फर्स्ट मैसेज इज़ हेल्पलेस, हेल्पलेस फील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आना चाहते हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा हूँ किस मुँह से आपके पास आएं, तो वो लाचार से हो रखे, हेल्पलेस हो चुके हैं वो, उनको समझ नहीं आ रहा वो करें तो करें क्या, क्योंकि रिग्रेट भी है उनको। आई कान गेट ओवर यू, तो वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपकी यादें उनके मन में हैं, वो बातें, वो सब कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है और वो आपसे निकल नहीं पा रहे, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ओके, रिग्रेट, सो दिस कन्फर्म्स गाइज कि रिग्रेट की यहाँ पे बिल्कुल भावना है, रिग्रेट है उनको, बहुत ज़्यादा अफसोस है जो उन्होंने आपके साथ किया, गलतियाँ की, उनको लगता है उनका बहुत मेजर लॉस हो गया है। ओके, लिसन, लिसन सुनने की ज़रूरत है, ठीक है, हेल्प लेने की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हेल्प लेने की भी ज़रूरत है, जाने सुने लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको गाइडेंस की ज़रूरत, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, किसी को भी आप अप्रोच करें और उनसे क्लैरिटी लें इस रिश्ते के बारे में, हो सकता है कोई रीडर हो सकता है टैरो रीडिंग से मिले आपको, इस वीडियो से मिले, गॉड से मिले, किसी इंसान से मिले, कोई फ्रेंड से मिले, तो क्लैरिटी आपको मिलेगी काफ़ी अगर आप हेल्प लेने की कोशिश करेंगे, सुनेंगे तभी समझेंगे, राइट, हम मिलकर ही रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो वो कहना चाहते हैं कि मिलकर हम रहेंगे, अगेन दिस ब्यूटीफुल मैसेज हियर, तो मिलकर रहेंगे, उनको इस बात का पूरा विश्वास है कि आप दोनों मिलेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर नेम इज इंग्रेव्ड इन माई हार्ट फॉर एवर, आपका जो नाम है उनके दिल पे लिखा हुआ है और हमेशा रहेगा, ठीक है। अगला मैसेज फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम हुई हो आपके बीच में, ये भी हो सकता है, या फिर वो मैरिड है तो उनकी फैमिली है, या कोई और फैमिली इश्यूज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। यू आर राइट, तो उनको अब रियलाइज हो गया है कि आप ठीक थे, आपने जो कहा था जो बातें, या आप बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको ये चीज रियलाइज हो गई है, यू आर राइट। I never wanted to do that, but I was stuck. वो करना नहीं चाहते थे पर वो stuck थे, मजबूर थे, फंसे हुए थे, इसलिए उनको करना पड़ा, वो आपको ये कहना चाहते हैं वो। अगला मैसेज क्या है गाइज, अगला मैसेज है I wish I could share this good news with you, तो कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जिसके बारे में वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है गाइज कि
कुछ लोगों के लिए कि अगर वो शादी उनकी ऑलरेडी हो चुकी है, वो मैरिड है, तो मे बी उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो गई हो, ठीक है, प्रेगनेंसी वो प्रेग्नेंट हो गई हो या उनका बेबी हो गया हो, इस तरीके की कोई गुड न्यूज़ है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी गुड न्यूज़ हो सकती है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, उनके मन में काफ़ी टाइम से वो चल रही है, वो उनको आप उनके लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, काफ़ी अच्छी कुछ इंपॉर्टेंस रखती है ये न्यूज़ जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। आई फील यू आर इग्नोरिंग मी एंड लीविंग मी, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं और आप उनको छोड़ के चले जाएंगे, आप उनको छोड़ के जा चुके हैं और आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा फील होता है, ठीक है। अगला मैसेज क्या है, आई एम अफ्रेड टू लूज यू, वो आपको खोने से बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि आपको खोना दें, आप उनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले ना जाएं, क्योंकि अभी भी उनको उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, राइट। ओके, व्हाट एल्स वी हैव, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, वो आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। ओके, क्या तुम मेरा साथ दोगे, ये आप भी उनसे पूछ सकते हैं, हो सकता है ये आपका मैसेज है या उनका मैसेज है, पता नहीं क्यों चैलेंज मैसेज आया मुझे कि ये शायद आप भी बोल रहे हो उनको कि साथ दोगे क्या, तो वो भी हो सकता है ये आपको बोल रहे हो। ओके, फर्स्ट, टेंथ, 19th, 20th, इस दिन आपका बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है, मे बी इस दिन आप पहली बार मिले हो, एनिवर्सरी हो या कुछ भी स्पेशल हो सकता है इस दिन को हुआ हो। पहला, फर्स्ट, 1, 10, 19 और 28 तारीख को कुछ स्पेशल हो। ट्रस्ट इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इस रिश्ते में, वो आप पे विश्वास नहीं करते, आप उन पे विश्वास नहीं करते, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, उनको भी ऐसा लगता है कोई इंसान आपकी लाइफ में आ गया है और वो पजेसिव होते हैं आपके लिए इस चीज़ को लेकर, और आप भी होते हैं। मिरेकल्स डू हैपन, तो मिरेकल्स होते हैं गाइज, मिरेकल्स बिल्कुल होते हैं, करिश्मा होता है ज़िंदगी में और बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, तो ये मैसेज सबसे बेस्ट मैसेज यहाँ पे आया है कि बिल्कुल चमत्कार होता है, करिश्मा होता है और मुझे लगता है शायद होगा आपकी लाइफ में, तभी ये इतना ब्यूटीफुल सा मैसेज आया है। जिन भी लोगों ने उम्मीद खो दी है, मिरेकल्स होते हैं, ठीक है, करिश्मा होता है ज़िंदगी में, तो होप ना छोड़े और आगे बढ़ते रहे, हो सकता है यही भगवान आपको बताना चाहते हैं। इतना ब्यूटीफुल मैसेज आया है इस रीडिंग को हम इतने पॉजिटिव नोट पे ख़त्म कर रहे हैं गाइस, कि चमत्कार होते हैं। सो प्लीज़ डोंट लूज होप एंड ऑल द वेरी बेस्ट, मैं चाहूँगी जो भी आपने सोचा है आपको वो मिले, जो इंसान के साथ आप रहना चाहते हैं खुशी खुशी उसके साथ रहें, और दिल से यही प्रे करती हूँ आप सबके लिए। तो गाइज़ ये जनरल रीडिंग थी, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं आप बुक करवा सकते हैं, अपने स्लॉट को नंबर में मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दी होती है, वहाँ से जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। और गाइज़ चैनल को प्लीज़ प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें, गिवअवे में पार्टिसिपेट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें गाइज़। All the very best. Bye-bye. Take care. और readings मैं जल्द ही आपके साथ लेकर आऊँगी. Bye-bye.